अल्लाम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग आई एम सईद कामन नदीम आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास नाइन्थ टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द इम्पोर्टेंस ऑफ बायो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था चैप्टर नंबर थ्री का यानी बायो का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था हमने ये देखा था कि बायो दो वर्ड से मिल बनी है यानी बायोस और डाइवर्सिटी बायोस का मतलब तो आप लोग ने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था तो बायोस का क्या मतलब होता है बायोस का मतलब होता है लाइफ और डायवर्सिटी का मतलब क्या है डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी विद इन स्पीशिस एंड अमंग स्पीशीज अगर मैं ये पूछूं कि डाइवर्सिटी क्या होती है तो वो भी आप लोगों को पता है तो डाइवर्सिटी क्या है डाइवर्सिटी मीन्स वराइटी विद इन स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज़ यानी एक ही स्पीशीज में कितनी वैरायटी प्रेजेंट है या फिर डिफरेंट स्पीशीज में कितनी वैरायटी प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी अगर मैं बायोडाइवर्सिटी की बात करूं, कि बायोडाइवर्सिटी हमने कैसे डिफाइन की थी तो बायोडाइवर्सिटी इज़ द मयर ऑफ वराइटी ऑफ स्पीशीज फाउंड इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स यानी डिफरेंट इकोसिस्टम्स में कितनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स या कितने वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाती हैं तो उसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी अगर हम ये कहें कि जितनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट होगी उतना ही हम सब ऑर्गेनिज़म्स को फ़ायदा है वो कैसे कि अगर मैं सिर्फ ह्यूमन बींग्स की ही बात करूँ तो ह्यूमन बेंग्स की फूड सप्लाई डिपेंड करती है वैरायटी ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स पर हम देखते हैं कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्लांट्स और वैरायटी ऑफ़ एनिमल्स प्रेजेंट हैं जो के हम एज़ फूड लेते हैं तो टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ ह्यूमन बीइंग्स की इंफॉर्मेशन में भी इजाफ़ा होता गया और हमें पता चला कि बहुत सारे एनिमल्स और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि हमें बहुत सारे फ़ायदे दे सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म्स का होना किसी भी इकोसिस्टम में कितना ज़रूरी होता है जितने वैरायटी ऑफ प्लांट्स होंगे उनको हम उतना ही यूटिलाइज़ कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए या अपने खाने के तौर पे पहले इंसान को इतने ज़्यादा फ्रूट्स का भी इल्म नहीं था ना ही इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स का इल्म था कि जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फूड के तौर पे और इसके अलावा हम इस बायोडाइवर्सिटी से किस कदर फायदा उठा सकते हैं तो सबसे पहले तो ये कि हमारी फ़ूड सप्लाई या हमारा फ़ूड ही डिपेंड करता है इस बायोडायवर्सिटी पे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए बायोडायवर्सिटी किस कदर इम्पॉटेंट है इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे प्लांट्स और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि मेडिसिनल पर्पज़िज़ के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और उनसे हम हासिल करते हैं बहुत सारी मेडिसन्स बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कि के ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिनमें ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं आपको तो हमने अभी पिछले ही चैप्टर यानी चैप्टर नंबर टू में स्टडी किया था मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए एक ट्री की बार्क इस्तेमाल हुई थी जो कि थी क्यूना क्यूना साथ साथ हमने सिंकोना बाग के बारे में भी स्टडी किया कि सिंकोना बाग में भी ड्रग मॉलिक्यूल प्रेजेंट है क्यून जो के इस्तेमाल होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर ऑफ मलेरिया या मलेरिया के अलावा भी अगर हम फीवर की बात करें तो भी क्यून फीवर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता रहा हिस्ट्री में और आज भी अगर हम ये देखें कि क्यून का मॉलिक्यूल ही है जो कि मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए मेडिसन्स में इस्तेमाल होता है इसी तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके बॉडी से ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो के इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट मेडिसन की कॉम्पोजिशन में तो हम ये कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सटी ना सिर्फ़ हमें फ़ूड सप्लाई करती है बल्कि हमें बहुत सारी मेडिसन्स भी प्रोवाइड करती है और इन मेडिसन्स को लेकर हम बहुत सारी डिज़ीज़ की ट्रीटमेंट करते हैं या फिर बहुत सारे डिज़ीज़ से बच सकते हैं इसी तरह बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्रियल लेवल पर भी इस्तेमाल होते हैं और वो हम हासिल करते हैं डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स या एनिमल्स की वराइटी से स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि प्लांट्स से हासिल की हुई गम्स एडहेसिव्स और फाइबर्स इसके अलावा बहुत सारे डाइज बनते हैं बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं इसी तरह अगर हम लोग माइक्रो ऑर्गेज़म्स की बात करें तो माइक्रो ऑर्गनिज़म्स भी हमारे लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके डिफरेंट माइक्रो ऑर्गनिजम्स में जीन्स इंसर्ट करते हैं और अपने डिफरेंट हार्मोन्स या डिफरेंट एंजाइम्स उन माइक्रो ऑर्गेज़म्स में प्रोड्यूस कराते हैं जैसे अगर एक कॉमन एग्जाम्पल मैं आपको दूँ तो वो है इंसुलिन की हम बैक्टीरिया को यूज़ करके इंसुलिन प्रोड्यूस करा सकते हैं और ऐसा डायबिटिक पेशेंट जिसमें में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो वो कमर्शियली या मार्केट से वो इंसुलिन लेकर अपने बॉडी को दे सकता है और ये इंसुलिन कहाँ प्रोड्यूस हुई है ये प्रोड्यूस हुई है बैक्टीरिया में क्योंकि हमने इंसुलिन जीन लिया और उसको इंसर्ट किया बैक्टीरिया की बॉडी में और फिर वो जीन मल्टीप्लाई हुआ विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया और फिर इंसुलिन भी साथ साथ प्रोड्यूस हुई और हमने उस इंसुलिन को रिफाइन करके मार्केट में भेजा और फिर वो इंसुलिन यूज़ करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स ताकि उनका ग्लूकोज अंडर कंट्रोल रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि बायोडाइवर्सिटी यानी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितना ज़रूरी है जितने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ना सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को फ़ायदा देंगे बल्कि वो एक दूसरे के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे क्योंकि हम सब की लाइफ चाहे हम ह्यूमन बींग्स की चाहे प्लांट्स की या एनिमल्स की हो या फिर माइक्रो ऑर्गेजम्स की हो हम सब की लाइफ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है तो जितने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होंगे उतना ही हम सबको फ़ायदा है अगर कोई भी एक स्पीशीज एक इकोसिस्टम से ख़त्म हो जाती है तो उस स्पीशीज का इफ़ेक्ट दूसरी स्पीशीज की पॉपुलेशन पे ज़रूर होगा क्योंकि हम इकोसिस्टम में फूड चेन्स या फूड वेब्स की फॉर्म में रहते हैं यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का फ़ूड है और अगर एक कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन ख़त्म होती है इसका मतलब ये हुआ कि अगर नंबर वन पॉपुलेशन जो ऑर्गेनिज्म की है वो ख़त्म होती है और नंबर टू नंबर वन को एज़ अ फूड इस्तेमाल कर रही थी तो फिर नंबर टू पॉपुलेशन भी इस नंबर वन पॉपुलेशन की कमी से इफ़ेक्ट होगी तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि अर्थ में मौजूद जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उनको यही बायोडाइवर्सिटी है यानी यही वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मेंटेन कर रही है अगर किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन कम या ज़्यादा हो जाती है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑटोमेटिकली दूसरी पॉपुलेशन भी जो ऑर्गेनिजम्स की होंगी वो भी इफ़ेक्ट होंगी इसलिए कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है और ये सब के सब स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स या वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम जितने प्लांट्स की वैरायटी को इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही हमारे एनवायरनमेंट और हमारे इकोसिस्टम को फ़ायदा होगा एक तो ये फ़ायदा होगा कि हम उन प्लांट्स को एज़ फूड एनिमल्स और ह्यूमन बीग्स इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा फ़ायदा ये होगा तो ये प्लांट्स हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को एब्ज़ॉर्ब करेंगे और डिफरेंट पल्यूटेंट्स या केमिकल्स को भी एब्जॉर्ब करेंगे और हवा से या हमारी एनवायरनमेंट से पोल्यूशन को कम कर देंगे इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो माइक्रो ऑर्गनिजम्स हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या एनिमल्स हो वो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को अफेक्ट कर रहे हैं कहीं पर हम फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इन्हांस करते हैं और कहीं पर हमारी ही एक्टिविटीज़ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को डिक्रीज़ करती हैं जैसा कि अगर हम सॉइल में प्लास्टिक के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल ऐड करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाएगी लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक वेस्ट को सॉइल में ऐड करेंगे तो माइक्रो ऑर्गनीज़म्स उस ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करेगा और वो ऑर्गेनिक वेस्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा उस ऑर्गेनिक वेस्ट में मौजूद कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स अपने अपने यूनिट्स में टूट जाएंगे और ये न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे सॉइल को और सोइल की फर्टिलिटी हो जाएगी इंक्रीज जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ भी इन्हांस होगी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम देखें तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज़म्स या बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हम सब की लाइफ एक दूसरे से कितनी ज़्यादा इंटरलिंक्ड है कि हमने ऑर्गेनिक वेस्ट किसी भी जगह मिट्टी में फेंका और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसकी डिकम्पोजिशन की और उस डिकम्पोजिशन का जो अल्टीमेट फ़ायदा है वो प्लांट्स को हुआ लेकिन ये फ़ायदा सिर्फ प्लांट्स को नहीं होगा जितनी ज़्यादा प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ होगी उतना ही फ़ायदा हमें भी होगा और एनिमल्स को भी होगा क्योंकि उन प्लांट से हमें हासिल करना है बहुत सारा फ्रूट और साथ साथ हासिल करने हैं डिफ़रेंट केमिकल्स और मेडिसन्स तो इसका मतलब ये हुआ कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में या फिर अर्थ पर मौजूद न्यूट्रिएंट्स रीसाइकिल होते हैं इस बायोडाइवर्सिटी की ही वजह से यानी एक न्यूट्रिएंट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है और अल्टीमेटली वापस उसी सिंपल फॉर्म में आ जाता है जैसे कि अगर हम लोग कार्बन या नाइट्रोजन की रिसाइकलिंग को देखें तो हमें पता चलता है कि नाइट्रोजन या कार्बन अपने सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में जाता है और वहाँ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की कम्पोजिशन में हेल्प करता है लेकिन जब यही प्लांट्स या एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो फिर इन एनिमल्स और प्लांट्स की डिकम्पोजिशन होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से और यही नाइट्रोजन या कार्बन जो कि अब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में प्रेजेंट हैं कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल फॉर्म में और वापस आ जाते हैं अर्थ के पास यानी सॉइल में और दोबारा से ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है यानी यही कार्बन और नाइट्रोजन प्लांट्स लेते हैं और प्लांट से ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और फिर एनिमल्स और ह्यूमन या प्लांट्स की डेथ के बाद यही कार्बन और नाइट्रोजन अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में अर्थ पर या सॉइल में वापस आ जाते हैं तो इस तरह हम ये कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी या वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनिज़म की पॉपुलेशन दरमियान से ख़त्म हो जाती है तो फिर और ऑर्गेनिजम्स और की पॉपुलेशन भी अफ़ेक्ट होगी इसके अलावा अगर हम एक और फ़ायदे देखें बायोडाइवर्सिटी का तो वो ये है कि जितनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स होंगे हमारी अर्थ भी उतनी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगी जैसे अगर हम लोग देखें कि हम दुनिया क्यों घूमना चाहते हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि इस दुनिया में या फिर वर्ल्ड में कितने वैरायटी ऑफ़ एनिमल्स और प्लांट्स हैं जो यहाँ जो हमारी अर्थ को ख़ूबसूरत बना रहे हैं डेजर्ट में चले जाएं तो वहाँ पर आपको ख़ूबसूरती कम नज़र आएगी क्योंकि वहाँ पर वैरायटी ऑफ़ एनिमल्स और प्लांट्स आपको कम नज़र आएंगे लेकिन यही कोई भी ऐसा इलाका जहाँ पर आपको ग्रीनरी ज़्यादा नज़र आएगी वहाँ पर आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ एनिमल्स और बहुत सारे डिफ़रेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी नज़र आएंगे और उस वैरायटी ऑफ़ प्लांट्स और एनिमल्स को देखकर आपका दिल मज़ीद खुश होगा और मज़ीद आपका दिल चाहेगा कि आप पूरी दुनिया की सैर करें कि यहाँ पर अगर इतनी खूबसूरती यानी पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती मौजूद है तो दुनिया में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरती या बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ़ एनिमल्स और प्लांट्स पाए जाते हैं इसके अलावा हम देखते हैं कि जितनी वैरायटी ऑफ़ एनिमल्स और प्लांट्स मौजूद होंगे टूरिज़म में भी उतना ज़्यादा इजाफा होगा और इकॉनमी को भी उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा जी स्टूडेंट्स तो अब हम देख लेते हैं अपना को आज हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इसमें स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि इम्पॉटेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से शॉर्ट क्वेश्चन आपसे बहुत ही कम पूछे जाते हैं ये टॉपिक आपका लॉन्ग वाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर हमने देखा है कि जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एज़ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है तो आपसे ये पूछा जा सकता है एक्सप्लेन इम्पॉटेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन डिटेल तो आपने इसके अंदर करना क्या है कि आपने इम्पॉटेंस ऑफ बायो में जो है वो पॉइंट्स बनाने हैं और पॉइंट्स की फॉर्म में ही जो है वो इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करना है जैसे हमने ये पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो हमें फ़ूड प्रोवाइड करता है इसके अलावा बहुत सारी ड्रग्स है यानी मेडिसन है जो हम बायो यानी डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं उनसे ऑप्टेन कर सकते हैं इसके अलावा हम ये देखते हैं कि बहुत सारा जो इंडस्ट्रियल मटेरियल है वो भी हम इन एनिमल्स या प्लांट्स से हासिल कर सकते हैं इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने ये भी देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पोर्टेंट होती है बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट इसलिए भी होती है कि किसी भी इकोसिस्टम को अगर हमने स्टेबल रखना है या उसको मेनटेन करना है तो वहाँ पर बायोडाइवर्सटी का होना ज़रूरी है और अगर किसी भी इकोसिस्टम में एक पॉपुलेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा तो ऑटोमेटिकली उस इकोसिस्टम में मौजूद बाकी जो ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज हैं या जो बाकी ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं उनके लिए वो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है तेज़ी से वो ख़तरनाक साबित होगी इसलिए हम ये देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है ये बहुत ही मेन रोल प्ले करती है किसी भी इकोसिस्टम को मेंटेन करने में इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कार्बन साइकिल हो नाइट्रोजन साइकिल हो वाटर साइकिल हो या ओवरऑल जैसे बायोकेमिकल साइकिल्स होती हैं ये सब भी बायोडायवर्सिटी ही रेगुलेट करती है किसी भी इकोसिस्टम में इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने ये भी पढ़ा कि कहीं की भी जो सॉइल होती है वो फर्टाइल ही तब रहती है जब वहाँ पर जो है वो बहुत सारे एनिमल्स और वैरायटी ऑफ प्लांट्स मौजूद हो अगर वहाँ पर कोई भी वैरायटी ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स मौजूद नहीं होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम ये देखेंगे कि वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिसाइकिल भी नहीं होंगे और जब न्यूट्रिएंट्स रिसाइकिल नहीं होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता सॉइल में मौजूद जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म होते जाएंगे और अल्टीमेटली वहाँ की जो सॉइल होगी वो इनफर्टाइल हो जाएगी जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो सॉइल है वो बंजर हो गई है और वहाँ पर हम मज़ीद जो है वो को ग्रो नहीं करा सकेंगे तो आपने जो है वो इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी अगर आपको लॉन्ग में आते हैं तो आपने जो है वो क्या करना है कि मेन हेडिंग जो है वो इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बनाकर फिर आपने एरोस लगाने हैं या फिर आप जो है वो नंबरिंग कर देंगे और इस क्वेश्चन को पॉइंट्स की फॉर्म में जो है वो अटैम्प्ट करेंगे इस तरह आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत ही प्रजेंटेबल लगेगा स्टूडेंट्स आज हम लोग ने पढ़ी इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हाँ बहुत सारी वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स हम एज अ फूड यूज़ करते हैं इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन भी करती है हमने ये भी पढ़ा कि बायोडाइवर्सिटी यानी वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर ना हों तो हमारे न्यूट्रिएंट्स इकोसिस्टम में या एनवायरनमेंट में रिसाइकिल नहीं हो सकते इसी तरह बहुत सारी ऐसी मेडिसन्स हैं जो हम प्लांट्स या फिर एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गनिज़म से हासिल करते हैं और बहुत सारे केमिकल्स भी हैं जो हम हासिल करते हैं इन ऑर्गनिज़म से उम्मीद है आज के लेक्चर की आप लोगों को अच्छे समझ आ गई होगी अगले लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़